हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज का टॉपिक है ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। मेरे पास है नोकिया का फोन। नोकिया के फोन में कैसे ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बताने वाली उस वीडियो में। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करना है। सिस्टम के ऑप्शन में चले जाएंगे, एडवांस में क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको रीसेट ऑप्शन पे जाना है एंड रीसेट वाई पे मोबाइल एंड ब्लूटूथ जाएंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको रीसेट सेटिंग से जाना है, लॉक ओपन करेंगे एंड फिर से रीसेट सेटिंग का ऑप्शन आएगा। फ्रेंड्स, आपका जो है ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।